हेलो निक्टेरोस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। हालचाल बताया रहिए करिए और सभी लोग अपना अपडेट कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिया करिए, ज़रूरी है। साथ बने रहेंगे तो अच्छा लगता है यार, सभी का साथ बना रहता है तो थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता है, समझे ना। आज बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझ रहे हो? बेसिक फंडामेंटल, कहाँ से हमारी शुरुआत हुई, डू यू नो हम कैसे बने खड़े हैं? इतने सारा देख रहे हो, कितने स्पेशल बॉडी हमारी भगवान ने हमको दे रखी है, तो ये कैसे बनी? ठीक है, और जितने ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं सभी की बॉडीज कैसे बनी हुई हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। सेल कौन सी क्लास से पढ़ाने लगते हैं सेल हम लोगों को? लगभग मेरे ख्याल से 7th 8th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं यार सेल, है ना। साइंस की किताब में आता है वो, जो है वो भी देखा होगा उस समय। मेरे ख्याल से क्लास 8th में मुझे दिखाया गया था, मुझे तो जैसा पता है कब दिखाया गया था, क्लास 8th में वो दिखाया गया था ओनियन की पील वाला सेल। और उसमें पता अच्छी बात क्या थी, जो ओनियन की पील थी ना वो मैडम ने मुझसे ही मंगाई थी। तो उस दिन पता क्या हुआ, वो साइंस की मैडम थी तो उन्होंने हमसे कहा कि मतलब जनरल क्लास में कहा कि ओनियन की पील लेके आना है, ठीक है। तो भाई हम अति उत्साही हो गए उस समय, ठीक है। तो हमने कहा मैम से, हाँ ठीक है मैम, हम ले आएंगे। तो मैम ने कहा चलो ठीक है तुम ही ले आना। भाई उस दिन इतना एक्साइटेड थे कि मैम ने हमसे ओनियन की पील मंगा ली है, अब हम पता क्या करेंगे। ओनियन की पील समझ रहे हो, वो जो छिकला निकालते हैं जब ओनियन का, जो उसकी लीव्स जो भी होता है स्ट्रक्चर, उसमें जो अंदर एक हल्की सी झिल्ली टाइप की होती है वो होती है पील, ठीक है। तो वो लेके जानी थी। तो जब हम उस दिन घर आए ना वापस तो स्कूल से, तो इतना एक्साइटेड हो गए थे कि हाय मैम ने हमसे मंगा लिया वो ओनियन की पील, अब तो हमें कहीं भूलना नहीं है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि घर पे आए सीधे सबसे पहले हमने एक प्याज लिया, उसकी पहली जो लेयर होती है वो निकाली, उसमें से पील ऑफ की, और फिर उसके बाद उसको एक डिब्बे में बढ़िया पैक करके लेके गए, समझ रहे हो। मतलब आते ही हमने बैग में सबसे पहले जो चीज़ रखी है स्कूल से आने की, जस्ट बात खाने पीने की बात छोड़ो, ठीक है, ड्रेसिंग की बात छोड़ो, सबसे पहले जो काम किया वो ये किया। मतलब देख रहे हो कितना एक्साइटेड थे उस समय सेल देखने के लिए, ठीक है। तो यही है, बस उसी तरह का एक्साइटमेंट आज भी हमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, और उसी सेल के बारे में आज जानेंगे जो हमने क्लास 8th में देखा था। शुरू करते हैं साइटोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके। तो चलो, तो सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक आइडिया, व्हाट इज सेल, इंट्रोडक्शन जानते हैं, ठीक है। तो खैर तुम लोग छोटे क्लासों से भी सुनते आओगे कि सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बहुत फेमस सी डेफिनेशन है, बहुत छोटे क्लासेस से हम लोग सुनते आए हैं, ठीक है ना। तो बस इसी फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को आज हम पूरा पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे पूरी सेल डिवीजन और सेल में कौन कौन से ऑर्गेनलीज वगैरह, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, सेल का कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सब जानेंगे, ठीक। तो देखो, अभी तक हमें जानते थे कि सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब वो तो क्लास 8 की बात हो गई, अब हम कुछ दो टर्म और ऐड करने जा रहे हैं, क्या क्या अपने लेवल के हिसाब से, कुछ नहीं, बहुत सिंपल से टर्म है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो दो टर्म हमने कौन से ऐड किए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। तो ये देखो लिखे हुए हैं कि बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, स्ट्रक्चरल, ठीक, फंक्शनल, यानी कि फंडामेंटल बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर, जो आज हम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, ये क्या है, सेल्स की वजह से है, ठीक है ना, बेसिक लेवल पे है बिल्कुल, मतलब न्यू है समझ लो, ठीक है। और क्या है, फंक्शनल, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तब जा करके हमारा जो आउटपुट है फंक्शनल है, हम आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, ये सब क्या है, फंक्शंस ही तो हैं, ये किस लिए हो रहे हैं, ये हमारे टिश्यूज बने, ऑर्गन्स बने, सिस्टम बने, उसकी मदद से है। और वो बनाया किसने, सेल ने,
तो ओवरऑल द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल. ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज सेल. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज सेल. ठीक है, तो व्हाट इज सेल में आज हम क्या जानेंगे? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तीन टर्म जाने आज हमने. ठीक है, अभी तक हमें फंडामेंटल पता था. ठीक, अब क्या है कि देखो, हमने अपनी बायोस्फीयर में कई सारे ऑर्गेनिजम्स देखे. ठीक है, डेड भी देखे, नॉन लिविंग वही डेड हो गए. ठीक है, उसके बाद लिविंग भी देखे, और जो पहले लिविंग थे अब नॉन लिविंग हो गए, सभी तरह की चीज़ें देखी. ठीक है, तो अगर क्या हम ये कहें कि लेस देन अ सेल ऐसी कोई चीज़ है अगर, तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही बात भाई. लेस देन अ सेल बेसिक यूनिट हमने यहीं से अगर अपनी मानी है, तो इससे कम अगर रहेगा तो हम उसको सेल क्यों बोलेंगे? या क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका कुछ होगा नहीं, फिर तो वो एक तरह से डेड एंड डिकेइंग मैटर या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ही हो गई, है कि नहीं? उसमें तो फिर हमें कोई उसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा ना, है कि नहीं? तो अगर हम बोलें कि अ सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ठीक है, सही क्या मेरी बात? सही है भाई. एक सेल है, आपस में सर्वाइव, मतलब एक खुद में वो, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर ले जाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. अगर उसको उसके रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर्स फेवरेबल हैं उसके ग्रोथ के लिए, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने में सक्षम होगा. ये है बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट. और क्या है? परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. भाई जब वो क्या कहते हैं कि अपने आप में इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो करेगा, तो ऑब्वियसली उसमें फिर जो है कुछ तो ऐसे जो है काम करेगा वो, कि अगर कई सारे उसके जैसे मिल जाए तो हो सकता है भाई ग्रुप में और अच्छा कुछ काम कर सकें, है कि नहीं? भाई अकेले हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर दो चार लोग हमारा हाथ बटा देंगे तो हम अच्छे से काम कर लेंगे. तो बस यही बात है कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए है, उनके अंदर पॉसिबल है, उनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, और क्या है, कुछ सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने में वो कैपेबल है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज सेल. ठीक, तो देखो यही लिखा हुआ है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. वो फिर एक नॉन लिविंग कैटेगरी में चला जाएगा ना. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. ठीक है, वही बात हो गई ना, fundamental structural and functional unit. Antoine Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown nucleus describe किया. ठीक है, invention of microscope reveals the leading electron microscope. ये सब तो खैर बात की बातें हैं. ठीक है, तो कुछ जो important discoveries हैं इसमें cell के दौरान, जो अभी तक हमें कैसे पता चला क्या है ये सेल, कब पहली बार देखा गया, उसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम के. ठीक है ना, ये इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया. सबसे पहले अगर किसी ने देखा कि कोई सेल नाम की, या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट कोई ऐसी चीज़ देखी, तो वो इन्होंने देखी. ठीक है, पर लेकिन इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने डेड सेल को देखा था. कहाँ पर? क्वार्क सुबेर के प्लांट में. ठीक है, उसकी कॉर्क में. ठीक है, तो इन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी, पर इन्होंने सबसे पहली बार सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था. ठीक है, तो इन्होंने किस में देखा था? इन्होंने देखा था कॉर्क सेल ऑफ क्वार्कस सुबेर. ये एक प्लांट का नाम है क्वार्कस सुबेर, और डेड सेल की डिस्कवरी की थी. ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है,
तो इन्होंने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है, फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक। वहीं अभी आते हैं एंटोवन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहली बार एक लाइव सेल को डिस्कवर किया था, जिंदा लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, सबसे पहली बार इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था भाई, बताएगा कोई, लाइव सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। साथ ही पता है आपको, नहीं पता है तभी तो हम आएंगे बताने, इन्होंने स्पर्म्स के बारे में बताया, स्पर्म भी कोई सेल होते हैं, आरबीसी के बारे में बताया कि आरबीसी भी कुछ तरह के सेल होते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रोटोजोअन्स के बारे में बताया कि ये भी एक तरह के सेल्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली बार लाइव सेल्स के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि कुछ अलग अलग वैरायटी के सेल्स के बारे में, जैसे कि आरबीसी हो गए, स्पर्म्स हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, इस सब के बारे में भी बताया, डिस्कवर किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, इन्होंने प्रोटोजोअन्स को किया, ठीक है, इन्होंने आरबीसीज के बारे में बताया, इन्होंने स्पर्म सेल के बारे में बताया, ठीक है। तो इन्होंने ये कुछ लाइव सेल्स के बारे में डिस्कवरी की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले सेल किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने, किसमें, कॉक सेल में, ऑफ क्वार्कस सुबेर, ठीक है, इन द ईयर 1885, ठीक है। ये तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। फिर आते हैं एक नए साहब, ब्राउन साहब, कौन से साहब, रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, क्या बताएगा कोई, इज देयर एनीवन, है कोई, नहीं बता, अरे यार बेटी कहाँ हूँ यार, ये तो क्लास एट की बात है यार, ये सब साइंटिस्ट के नाम तो क्लास एट में बता दिए जाते हैं, नहीं बताए जाते हैं, अब मेरे में तो बता दिए गए थे यार। इन्होंने बताया था किसके बारे में, अरे बता दो, इन्होंने बताया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, सच एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन साइड अ सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस, डू यू नो न्यूक्लियस, न्यूक्लिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में, कुछ इनके सेल जो कह सकते हैं साइटोलॉजी या कह सकते हैं सेल बायोलॉजी के जो माता पिता समझ लो जिन्होंने जन्म दिया, उनके बारे में जानना जरूरी था, तो वो हमने जाना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब जान लेते हैं कि कुछ दो टर्म है, ठीक है, ये कुछ सिमिलर से टर्म है, ये तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, ये तुमको पता होने चाहिए, ठीक। तो देखो सेल बायोलॉजी क्या होती, सेल बायोलॉजी है, किसी को आइडिया, इज देयर एनीवन, है किसी में हिम्मत, है हिम्मत, बताओ, देखो चलो हम बताते हैं। देखो सेल बायोलॉजी क्या है, सेल की बायोलॉजी, ठीक है, मतलब हमें सेल की बायोलॉजी जाननी है, समझ रहे हो, सेल की बायोलॉजी मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उसके फंक्शन के बारे में जानना है, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है, ये तीन बेसिक फंक्शन है कि नहीं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, है कि नहीं। तो सेल भी अगर हम मान लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी हमें सेल उसकी बायोलॉजी के बारे में भाई जानना ही पड़ेगा ना, कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है, कैसे वो स्ट्रक्चरली स्टेबल है, कैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यही सब जानने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन वही सेल डिवीजन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारी सेल बायोलॉजी हो गई, क्या होती है सेल बायोलॉजी। वहीं अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, तो साइटोलॉजी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोलॉजी, कह दो सर साइटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, साइटो मतलब सेल, तो ये भी तो सेल की स्टडी तो हो गई, जी नहीं,
बस यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। हमने सेल बायोलॉजी में उसके ब्रॉड व्यू को देखा, सब चीजें जाननी है हमें उसकी बायो की, ठीक है। लेकिन साइटोलॉजी में हमें मेनली उसके रिप्रोडक्शन या कह सकते हैं सेल डिवीजन के बारे में फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइटोलॉजी। क्या है ये, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। चलो अभी तो हो ना भैया सब लोग साथ में, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया यार, अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो अब भाई देखो आ जाओ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बताएंगे तुमको और आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं उनके आने के, ठीक है। सेल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार्टिंग का ही सेक्शन है, अभी साथ में बने रहो, मस्त मज़ा आएगा, ठीक है। कभी ध्यान से देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने ऐसा, और ये क्वेश्चन आ सकता है पूरे पूरे चांसेस, कोई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन गलत तुरंत कर हो जाएगा अगर नहीं देखा तो, समझ लो, डू यू नो, नो। चलो तो देखो सेल थ्योरी, अब भाई सेल के बारे में पता लगा, ठीक है, उसके बारे में जाना, डेड होते हैं, लिविंग होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इतना तो खैर हमें पता चल गया। फिर बात आई कि मतलब कैसे ये रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, या ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है भाई, सेल से किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है हमने मान लिया कि सेल से बन रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है फिर कि कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और कि जो सेल हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, नए नए जो इतने डिफरेंट वेराइटी के सेल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक। तो अब भाई इमॉर्टल तो है नहीं, ये मॉर्टल है, मतलब कुछ इमॉर्टल हैं, कुछ मॉर्टल हैं, तो भाई ये मर भी रहे हैं तब भी कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है भाई, एक बार मर गया तो कहाँ से आएगा उस दूसरा वाला, ठीक है, ऐसे तो ख़त्म हो जाने चाहिए जो इमॉर्टल नहीं है, ठीक है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को जानने के बारे में कि कैसे सब हुआ, कैसे ऑर्गेनिज्म बने सेल्स के थ्रू, इसको लेकर के एक थ्योरी प्रपोज की गई। क्या थ्योरी प्रपोज की गई, थ्योरी में दो साइंटिस्ट साहब आए, ठीक है, जिनकी थ्योरी हमें जाननी है। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई, पर लेकिन जो अभी तक की थोड़ी कह सकते हैं कि थोड़ी अप्रूव्ड थ्योरी है, ठीक है, तो उसमें दो साइंटिस्टों ने थोड़ा मिल के काम किया, अलग अलग काम किया, पर लेकिन उनकी फिर थ्योरीज को कंपाइल करके एक स्पेशल थ्योरी दी गई, ठीक है, जिसको कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर क्या हुआ कि एक मैथ्यू शील्डन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, ये एक क्या थे, बॉटनिस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, मैथ्यू शील्डन बॉटनिस्ट, ठीक है। इस थ्योरी को हमने नाम दिया शील्डन एंड स्ट्रॉन्स सेल थ्योरी, ठीक है। तो एक मैथ्यू शील्डन साहब थे, ये बॉटनिस्ट थे, और ये कहाँ थे, जर्मन के थे, कहाँ के थे, ये जर्मन के थे, ठीक है, ये थे जर्मनी से, ये कह सकते हैं जर्मन थे, ये मैथ्यू शील्डन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, कई सारे प्लांट को स्टडी किया, उनके टिश्यूज को स्टडी किया, और इन्होंने अपना कॉन्क्लूजन दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल, इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट बना के दिया था, ठीक है। कई सारे टिश्यूज देखे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, तो उन्होंने कम में कॉमन यही पाया कि जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, जो हर एक प्लांट के स्ट्रक्चर में कॉमन है, ठीक है। तो इन्होंने फिर प्लांट सेल पे मेनली अपनी स्टडीज शुरू की, ठीक है, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब इन्हीं के टाइम पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे, वो थे कौन, ब्रिटिशर थे, वो कौन थे, ब्रिटिशर, समझ रहे हैं, ये थे ब्रिटिशर, ये इन्हीं के समय के थे, ठीक है, थियोडोर श्वान, थियोडोर श्वान, ये एक जूलॉजिस्ट थे, डू यू नो, ये एक जूलॉजिस्ट थे, ये उसी शील्डन एंड श्वान, वो जर्मनी में काम कर रहे थे, ये
ब्रिटिश या कह सकते हैं इंग्लैंड वगैरह में काम कर रहे थे, ठीक है। वो बॉटनिस्ट थे, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट, थियोडोर श्वान, ठीक है। इन्होंने मेनली तीन चीज़ें अपने थ्योरीज में, मतलब इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी पहले। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहले ये बताया, स्टडी किया इन्होंने एनिमल सेल के बारे में, भाई जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल के बारे में ज़्यादा पता होगा इनको, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया एनिमल सेल के बारे में, ठीक। तो उन्होंने उसमें एक अपना स्टेटमेंट ये दिया कि जितने भी एनिमल सेल हैं, ठीक है, वो सभी सराउंडेड हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं आज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी करके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, ठीक है। साथ ही इन्होंने कुछ प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया और उसमें देखा कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर है, किसका, प्लांट सेल का ओनली, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एनिमल प्लांट सेल को ही मेनली कंसीडर किया था उस समय। तो इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंस होना एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। वो केवल प्लांट सेल में ही पाई जा रही है, ना कि एनिमल सेल में। एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी स्टडीज कुछ की थी। फिर हमने क्या किया, बाद में जब पता चला उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया है, ठीक है, तब हमने क्या किया, इन दोनों की थ्योरीज को मिलाया आपस में, भाई लगभग सेम ही जा रहे थे दोनों लोग, ठीक है ना। तो हमने एक कंपाइल शील्डन एंड श्वान की सेल थ्योरी बनाई, जिसको हम लोग इस तरह से कुछ पढ़ते हैं कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, कि प्लांट्स, जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं, जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं, सभी की जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, सेल और उनके सेल के प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। मतलब सेल आपस में कंबाइन किए, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी तैयार हुई, ठीक है। भाई सेल आपस में बनाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या बनेगा, एक ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। वी आर एन ऑर्गन सिस्टम, नहीं पता था क्या, अरे यार लीवर है, हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, ब्रेन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं पूरे, ठीक, जेनाइटल सिस्टम है, ये सब क्या है, ऑर्गन्स ही तो हैं सारे हमारी बॉडी के, कि नहीं है। आईज हैं, ईयर है, नोज है, टंग है, तो ये सब क्या है, ऑर्गेन्स ही तो हैं कि नहीं है। जब ये आपस में मिल गए तो हम बन गए, है कि नहीं। तो यही तो है कि सेल से बने एंड उनसे मिले प्रोडक्ट से बने हुए हैं सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये किसकी थ्योरी थी, शील्डन एंड श्वान की। पर इसमें भी एक कमी थी, भाई अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही बार में सभी लोग सब चीजें सब बता दें, है कि नहीं। ऐसा तो हम भी नहीं बता सकते यार, एक बार में सारी चीजें हो जाए कवर। भाई इनका भी वही था कि जो है इनका एक पॉइंट रह गया, क्या पॉइंट रह गया। अब देखिए यहाँ से क्या सीख मिल रही है, कि आपका काम तो ठीक है, अच्छा है जो भी किया आपने, पर लेकिन सामने बैठे लोग जो है ना, आपका क्या ढूंढ रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया। जो आपने किया वो तो किया, ठीक है, पर लेकिन जो नहीं किया वो बताने वाले हमारे पास चार जने बैठे हैं, क्या नहीं किया। इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, सब थ्योरी बता दी, पर लेकिन बस ये नहीं बता पाए कि कैसे जो नए सेल हैं वो अराइज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कैसे पुराने सेल जा रहे हैं या नए सेल आ रहे हैं, ये सब अपने थ्योरी में इन्होंने नहीं बता पाए, ठीक है, कैसे न्यू सेल ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक। तो बस बन गया पॉइंट लोगों का ही, कि भाई तुमने तो ऐसा बताया ही नहीं है, खाली ये बता दिया कि जो है ये बने, इससे ऐसे बने, ऐसे बने, ये ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, वो मरेंगे एक बार तो फिर आगे उनका क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। तो फिर उस समय भाई सब बातें बातें चल रही थी, ये भी सुन रहे थे, कहने वाले लोग कह रहे थे। फिर उन्हीं में से, भीड़ में से एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, ठीक है, उनका नाम क्या था, वो थे एक महान वैज्ञानिक जिनको कि आज हम जानते हैं रुडोल्फ वर्चो के नाम से, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, रुडोल्फ वर्चो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने शील्डन एंड श्वान की थ्योरी को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया,
इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ये बिल्कुल सिमिलर था शील्डन एंड श्वान की थ्योरी के थ्रू, बिल्कुल मतलब उससे मिलता जुलता था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो वही है कि इन्होंने अपनी सेल थ्योरी का क्या नाम दिया, सेल लीनियस थ्योरी नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल लीनियस थ्योरी नाम दिया। और उसमें इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। तो फिर इनके जो दो मेन पॉइंट थे उस समय इनकी थ्योरी के, ओमनिस सेलुला ई सेलुला के कि या फिर सेल लीनियस थ्योरी के, रुडोल्फ वर्चो ने जो दी उसमें दो पॉइंट्स इन्होंने ये बताया है कि एक तो यही पॉइंट था शील्डन एंड श्वान की थ्योरी का कि ऑल लिविंग बींग्स, क्या था, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, बताएगा कोई? अरे यही तो है यार, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यही था जो शील्डन एंड श्वान की थ्योरी में नहीं बताया गया था, क्या, कैसे न्यू सेल्स फॉर्म्ड होंगे। तो इन्होंने बताया कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इन्होंने बस खाली अपनी थ्योरी में एक लाइन ये जोड़ दी कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे जो इनकी थ्योरी को थोड़ा आगे तक ले गए, ठीक है। तो देखो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है जन्नत में भी कि इन 1838 मैथ्यू शील्डन जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया एंड बताया कि ये कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है, ये सब बताया, टू फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। उसी समय एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को रिपोर्ट किया, उसमें बताया कि इनके पास एक आउटर थिन लेयर है, किसको बोलते हैं, जिसको आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि प्लांट टिश्यू में एक सेल वॉल नाम की चीज प्रेजेंट होती है जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है ऑफ द प्लांट सेल का, ठीक। ये सारी बातें हो गई हमारी। फिर थियोडोर श्वान एंड मैथ्यू शील्डन ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की, हाइपोथेसिस प्रपोज की, जिसको बोलते हैं कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने मिलके एक थ्योरी ये फॉर्मुलेट कर दी, पर लेकिन ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, वही बात कर रहे थे ना अभी। तो फिर भाई भीड़ में भाई साहब थे, ये कौन से, रुडोल्फ वर्चो साहब, ठीक है। तो इन्होंने 1855 में अपनी एक अलग से थ्योरी दी, या थोड़ा सा मॉडिफाइड थ्योरी दी, उन्होंने बताया कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ओमनिस सेलुला ई सेलुला बताया वो एक तरह से ये दूसरा वाला पॉइंट था, ठीक है, जिसको कि हमने नीचे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये था, ठीक है। और इनकी थ्योरी का नाम क्या था? सेल लीनियस थ्योरी, ठीक। तो वही इन्होंने बताया कि ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शील्डन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं, क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये तो भाई यही बात हो गई, यहां पे शील्डन एंड श्वान ने भी बताई थी। और इन्होंने एक्स्ट्रा एक पॉइंट क्या ऐड किया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्स्ट्रा पॉइंट था इनका जो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये रुडोल्फ वर्चो की जो हमें दो थ्योरी मेनली पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली, ठीक। चलो तो फिर हमने जान लिया कि कैसे जो है ऑर्गेनिज्म वगैरह बने हैं। भाई सेल थ्योरी जानना बहुत जरूरी है यार, हर जगह थ्योरी आपको मिलेंगी, हर कॉन्सेप्ट में थ्योरीज मिलेंगी भाई। हाइपोथेसिस ही तो आती हैं तभी तो हम लोग जान पाते हैं भाई, रिसर्च का मतलब क्या हुआ फिर। अब साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं,
तो अपना वर्क वो कैसे दिखाएंगे? तो इसी तरह से दिखाते हैं, हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, थेसिस प्रेजेंट करते हैं। आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब आपको भी थेसिस प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है? तो यही होता है, साइंटिस्ट लाइक साइंटिफिक प्रोसीजर का है प्रोसेस ये, ठीक है? तो ये कुछ इसी तरह से ये थ्योरीज वगैरह आती हैं, कुछ बड़ी डिस्कवरीज होती हैं उनकी थ्योरीज हमें फिर पढ़नी भी पड़ती हैं, ठीक है? तो यही सब है चीज़ें। तो चलो फिर अब अपना फोकस जो है हमारा चैप्टर है आज का, क्या सेल के बारे में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उस पे आते हैं। आज एक ओवरव्यू लेते हैं सेल का, जिनको नहीं पता, कोई भी बेसिक आइडिया नहीं है सेल के बारे में, ठीक है? ये ओवरव्यू उन्हीं के लिए, ठीक, ये उन्हीं को समर्पित ओवरव्यू जिनको सेल के बारे में पता ही नहीं, आज तक सेल के बारे में सुना ही नहीं, ठीक है? तो देखो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल होता है एक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं एक एरिया, ठीक है, जो कि बाउंडेड है किन्हीं मेम्ब्रेन से, या एक पार्टिकुलर डेफिनेट शेप का स्ट्रक्चर है, पूरा 360 डिग्री में पूरा हर तरफ से बाउंड है, एक पैक्ड सिस्टम है, ठीक है? मे बी लिविंग हो सकता है, मे बी नॉन लिविंग हो सकता है, ठीक। उसमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सेल वॉल, बाउंड्रीज बनाने वाले, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, मे बी सम ग्लाइकोकैलेक्स लेयर, लिपोपॉलीसेक्राइड्स लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन्स लेयर में ऑल्सो भी प्रेजेंट टू गिव एन स्ट्रक्चर, ठीक है, बाउंड्री बनाने के लिए। फिर उसके अंदर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बनेगा जिसमें कि सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उस इकोसिस्टम को हम नाम दे सकते हैं कि एटमॉस्फेयर वगैरह जैसे कि बन सकता है, उसको क्या बोलते हैं, जो मेन एरिना है जहाँ पे सारे काम होंगे वो क्या हो सकता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म नाम देते हैं, ठीक है? फिर अब जो है भाई सारा काम हो रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी चाहिए, ठीक है? तो उसको नाम हमने जैसे दे दिया, एक न्यूक्लियस नाम दे दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, सारा एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही हैं, जो मेन एरिया है वहाँ का कैंपस है साइटोप्लाज्म, ठीक है? ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक। बाउंड्री कौन बना रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब जो है भाई सेल एक एरिया है, उसकी जो बाउंड्री है वो मेम्ब्रेन हो गई, वॉल हो गई, ठीक है? तो ये सब स्ट्रक्चर जो है जो मिलके आपस में एक कह सकते हैं एक एरिया ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो कि काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहा है, ठीक। मेटाबॉलिक प्रोसेस तो पता ही होंगे ना, प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और ये सब, एटीपी एनर्जी बनाना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराना, ये सब जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। अब क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें कि केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, कुछ होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, कुछ होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ होते हैं कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, जो उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट, जो ब्रेन है वो बाहर एरिना में ही फैला हुआ है। भाई ऐसा हो सकता है ना कि मान लो कोई कॉलेज है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग नहीं है, वो खाली कुर्सी डाल के बैठे हुए वहाँ के डायरेक्टर और वो सब, है कि नहीं? खैर होते होंगे यार, बहुत पुराने ज़माने में होता होगा, गुरुकुल में है ना, तो उस समय होता होगा, नहीं गुरुकुल नहीं यार, गुरुकुल में तो झोपड़ी वो क्या बोलते हैं आश्रम वगैरह हुआ करते थे, नहीं और पुराने ज़माने में हुआ करता होगा, ठीक है, जब सभ्यता नहीं होगी कोई भी तब, ठीक। तो वही की बात हो गई, ठीक है, उसी तरह से बहुत प्रिमिटिव जो सेल हैं उन्हीं में देखा जाता है कि जो है न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं पाया जाता, वहाँ बाहर ही टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है? तो ये सब हो गई कुछ। अब जैसे ये हो गया, अब क्या होता है कि जैसे अगर हम एक सिस्टम मान लें, है पूरा सिस्टम स्कूल ही मान लें, तो वहाँ पे सब थोड़े थोड़े काम हर एक को डिवाइड कर दिए जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही सेल में भी होता है कि थोड़े थोड़े काम सबको डिवाइड कर दिए गए हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ ने अपनी बाउंड्री बना रखी है, उस सेल के अंदर भी अपनी बाउंड्री बना रखी है कि हम इतनी जगह हमने ले ली है और इसमें हम अपना ये वाला ही काम करेंगे, केवल और कोई काम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है? तो ऐसे हो सकता है कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड या उसमें ऑर्गेनलीज वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो ये क्या है, डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, या कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव एरियाज हैं कि ये वाले काम यहीं यहीं पर होता है, ठीक है, बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है। पर लेकिन कुछ सेल हैं कि उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पूरा बढ़िया सब लोग खाली खुली घूम रहे हैं, कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, सब मेल मिलाप से बढ़िया रह रहे हैं, ठीक है? वो कुछ प्रिमिटिव सेल्स में ऐसा होता होगा, आज के समय में ऐसा कहाँ है यार, सब अपनी इतनी सी भी जगह नहीं छोड़ते हैं यार, सब पूरी बाउंड्री लगा देते हैं सब लोग, है कि नहीं, है कि नहीं? बहुत सेल्फिश लोग कर रहे हैं यार आज के समय में, बहुत गंदी बात है।
कोई बात नहीं, खैर चलो। तो इसी तरह से कुछ में सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। फिर एक एक जो हर जगह पाई जाती है एक चीज़, क्या बोलते हैं कि मतलब कह सकते हैं कोई भी ऐसी कॉमन चीज़ बताओ जो कहीं पे भी पाई जाती हो, हर जगह तुम्हें देखने को मिलती हो, बताओ है कि नहीं। जैसे मान लो मच्छर, मच्छर हमें लगता है पूरी दुनिया में पाए जाते होंगे, है कोई ऐसी जगह जहाँ पे नहीं पाए जाते होंगे? या कोई अच्छा ऐसी और अच्छी चीज़ बताओ जो हर जगह पाई जाती है, हर जगह एवरीवेयर पूरी दुनिया में, है कोई ऐसा एग्जाम्पल? और मेरे ख्याल से तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे यार ऐसे, कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह ये सब हर जगह पाए जाते हैं कि नहीं। तो बस इसी तरह से कुछ सेल में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कितना भी पुराना पुराना सेल ना हो, कितना भी नया से नया सेल क्यों ना हो, वो पाया जाता है। जैसे कि राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, पर लेकिन क्या है, पाए जाते हैं सेल में, इनका बढ़िया काम भी होता है, मस्त अपना काम भी करते हैं, चाहे कोई भी तरह का सेल हो, ठीक है, ये तो पाए जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स, ठीक है। उसी तरह से एक एनिमल सेल जो होता है, जिसकी बॉडी जिस जो हम लोगों की बॉडी में एनिमल सेल्स हैं, उनमें ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो अब यही सब है, सब मिला जुला के डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल बने, तो फिर हमने क्या देखा कुछ समय बाद कि सेल का जो शेप है, साइज है, इतना वैरायटी में आपको मिल जाएगा, इतने तरह के सेल और शेप एंड साइज में मिलेंगे कि क्या बताएं, क्या बताएं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा ले लो, इसमें सेल वॉल नहीं होता, पीपीएल, मतलब इसकी बॉडी दिन दिन भर चेंज हुआ करती है, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। बैक्टीरिया ले लो, कितने मिलियंस में डाइवर्सिटी मिलेगी इनकी, समझ रहे हो, बैक्टीरिया की हर सेकेंड इनकी एक नई स्पीशीज क्रिएट हो जाती है। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, कभी सोचा है ऑस्ट्रिच जो अंडा देता है वो एक सिंगल सेल है? कभी ऐसा सोचा था, पता था नहीं पता था? आज पता कर लो कि जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, वो एग होता है, वो जो वो एक सेल है, समझ रहे हो, डू यू नो? नहीं पता था ना, तभी आज बता रहे हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड कर रही है रेड कलर का, समझ रहे हो, ये क्या है, सेल है एक, है कि नहीं। नर्व सेल, जिसकी वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कोई हमको टच कर रहा है, ठीक है, प्रेशर पता चल रहा है, हीट पता चल रही है, ठंड पता चल रही है, ये सब क्या है, किसकी वजह से, नर्व सेल। दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल, ये तो लिखा ही नहीं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल है, सभी सेल्स में लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, पीपीएलओ और प्लियोमॉर्फिक हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। वहीं अगर हम बात करें जो लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट, अगर हम बात, ये लॉन्गेस्ट सेल किसमें है, एनिमल्स में, ठीक है, इन प्लांट्स लॉन्गेस्ट सेल है ये, क्या लॉन्गेस्ट सेल किसमें, प्लांट्स में, ये फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर सुने हैं ना, तो ये लॉन्गेस्ट सेल हैं, पूरे प्लांट की बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है, तो ये उनमें पाए जाते हैं। तो इसी तरह से ये यही लाइट बात हो गई कि जो बात कर रहे हैं कि सेल वेरी इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म, भाई जिसकी जैसी नीड है उसने अपने आप को उस तरह का बना लिया है, सेल की बात कर रहा हूँ, भाई जिसका जैसा काम वो अपने आप को उसी तरह से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब कबाड़ी वाला जो है वो कबाड़ी वालों की तरह दिखता है, ठीक है, एक प्रोफेशनल आदमी को ले लो, थोड़ा बिल्कुल प्रोफेशनल अटायर में, कोट सूट में दिखता है, यहाँ लगता है कि वो कुछ बढ़िया काम करता है, मस्त, ठीक है, काम उसका भी ख़राब नहीं है, पर लेकिन वो उसका काम जिस तरह का, वो उस तरह का दिख रहा है, जो प्रोफेशनल कुछ काम कर रहा है वो उस तरह का दिख रहा है कि नहीं। हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, टीचर हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो टीचर हैं, तो वो अपने तरह के कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है। तो वही है कि जिसका जैसा काम उसने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया, अडेप्ट कर लिया है, यही चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था सेल के बारे में, जिसको कि हमने आज जाना कि सेल क्या चीज़ है, ठीक। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि ओनियन पील में, कभी तुमने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, ह्यूमन चीक सेल तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने ना देखा हो, ठीक है। ओनियन सेल विद अ टिपिकल प्लांट सेल, डिफरेंट डिस्टिंक्ट सेल वॉल है उसमें, ठीक है, आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर है, ठीक है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैज एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर इज द सेल, ठीक है।
कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, ठीक, जिसमें कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि कुछ सेल्स हो जाए जहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है सेल की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करके रखता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ये, ठीक। और क्या है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन होती हैं जिससे कि सेल लिविंग स्टेट में रहता है, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल में अकर होते रहते हैं रेगुलरली बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी बिसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा कुछ यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जैसे कि बताया कि डिवाइड हो जाते हैं ना, कंपार्टमेंट बन जाते हैं कि तुम उसमें वाला काम करोगे, हमने भी बाउंड्री बना दी, उसके अंदर और कोई काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करेगा और कुछ काम नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट फूड सिंथेसिस करेगा और कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की पैकेजिंग वगैरह करेगा, ठीक है। गॉल्गी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ये सब हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। माइक्रोबॉडीज वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, पर लेकिन यही जो प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो इन टू स्ट्रक्चर लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वही तो बता रहा हूँ कि राइबोसोम्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो हर जगह पाए जाएंगे, यहाँ तक कि जो अंदर डिस्टिंक्टिव कंपार्टमेंट बने हैं उनमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे भी अटैच्ड होते हैं वो, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, जिनमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिन सेल्स में, उस पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। तो ये देख रहे हो हर जगह प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म तो है ही, खैर, ठीक है। वहीं अगर बात करें एनिमल सेल में, कुछ एक जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रोसोम, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड एक्टिविटीज एंड शेप, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ ओनली, 0.3 माइक्रोमीटर, वाइल बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है वो एग एंड ऑफ ऑस्ट्रिच है, अभी तक का सबसे बड़ा सेल जो देखा गया है पूरी दुनिया में, ठीक है। कुछ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म लाइक उसमें आरबीसीज जो है वो 0.7 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होते हैं अपनी बॉडी में, ये देखो नर्व सेल का है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल का जो है ट्रकीड है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, भाई ट्रांसपोर्ट करते हैं ना वाटर, तो ऊपर ले जाना है वाटर को, तो इसने अपने आप को इलांगेटेड फॉर्म में जो है मॉडिफाई कर लिया है। वहीं जो है ये नर्व सेल होता है, इसको वेरियस डायरेक्शन में अपने इम्पल्सेस भेजने होते हैं, तो देखो इसने कैसे जो है अपने पर फैला रखे हैं, ठीक है। आरबीसी इनको क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्फेस एरिया चाहिए, चिपटा हो गए ये, किस लिए, सर्फेस एरिया बढ़ जाए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स इरेगुलर होते हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं सेल के शेप में, इनको बस खाली खाना है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ये कुछ कोल्यूमनर सेल हो गए लाइक इन इंटेस्टाइन, ठीक है, ये पैरेन्काइमा मेसोफिल सेल्स हो गए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करते हैं, ठीक। तो यही है कि डिफरेंट तरह के डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कोल्यूमनर हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, इरेगुलर लाइक WBC हो सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक। तो ये देख रहे हो मस्त, कितना बढ़िया बताया गया है इसमें सब, कितना जो है एक्चुअल चीज़ें बताई गई, एक्चुअली सब कुछ डिपेक्ट किया गया है इसमें, है कि नहीं, बात सही। तो बस यही था कुछ ओवरव्यू, तो आप जान लेते हैं कुछ, अभी तक हम लोगों ने इतने सारे चीज़ें बात करी सेल्स के बारे में, अब हम लोग सेल को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, कैसे, एक प्रोकैरियोटिक कैटेगरी और एक यूकैरियोटिक कैटेगरी, ठीक है। तो जान लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया सुना है, बैक्टीरिया इतना कॉमन नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बस नाम सुनाऊंगा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। माइकोप्लाज्मा अभी बताया, PPLO लाइक ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लियोमॉर्फिक होते हैं,
का शेप हमेशा चेंज होता रहता है, सेल वॉल नहीं होती इनमें, ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रिमिटिव सेल्स हैं, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, इनमें कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इनका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। ये क्या चल रहा है ब्रो, ये ऐसे चल रहा है, ओ माय गॉड, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और देखो साइज कैसा होता है इनका, माइक्रोस्कोपिक होता था, ठीक है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी बात करें, मिलियंस ऑफ नंबर में डिवाइड करते हैं भाई, मिलियंस ऑफ होते हैं, मिलियन एक ही भी डिवाइड करते हैं तो एक मिलियन अगर बैक्टीरिया है तो एक मिलियन कॉपी बन गई है कि नहीं, तो बहुत फास्ट, वेरी फास्ट ग्रोइंग, ठीक है, समझ रहे हो। शेप्स वैरायटी ऑफ शेप्स में मिलेंगे, बहुत वेरिएबल है शेप के, जैसे कि चार अगर मेन बेस बात करें, बेसिक जो है वो, जैसे कि बैसिलस, ये कैसे होते हैं, रॉड शेप, ठीक है। कोकाई लाइक स्फेरिकल, कैसे होते हैं, स्फेरिकल। विब्रियो, कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया होता है एक, ये कैसा होता है, कॉमा शेप होता है, देख रहे हो कितने वैरायटी ऑफ शेप्स तुम्हें मिल रहा है, कॉमा शेप। किस कभी सोचा था कॉमा शेप का कोई बैक्टीरिया मिलेगा तुम्हें, नहीं सोचा था ना। एक होता है कैसा, स्पायरल, स्पायरल कॉपी होगी, देखो बहुत से लोग तो स्पायरल कॉपी पे लिख रहे होंगे, जैसा वो नहीं साइड वाला वायर है वैसा घूमा हुआ पूरा, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोल जैसा होता है कैसा होता है वो, स्पायरुलम, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, स्पायरल, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये देख रहे हो कितने, कोई रॉड शेप का है, कोई गोल है बिल्कुल, कोई कॉमा शेप है, कोई घूमा घूमता जा रहा है, स्पायरल शेप का है, तो कितना वैरायटी मिल रही है, और भी तरह तरह के शेप मिलेंगे, कोई इलॉन्गेटेड है, कोई इररेगुलर भी मिलेगा तुम्हें, यहाँ तक कि जिसका कोई शेप ही नहीं होगा, समझ रहे हो। जैसे अमीबा ले लो, इररेगुलर शेप का है, डब्ल्यूबीसी इररेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो वैरायटी कितनी मिल रही है शेप में, है कि नहीं, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं सभी, ठीक है। तो वही है कि अगर जितने भी ये सब ऑर्गेनिज्म बताए हमने, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, बीजे हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, अगर इनकी सबकी बात करें तो ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, पर इनमें क्या है, इनमें एक चीज कॉमन है, भले ही इनका शेप अलग है, साइज अलग है, डिफरेंट रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है अलग अलग हो, पर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन सभी में सेम है। क्या सेम है, फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इन ऑल, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर हैं और फंक्शन हैं और कह सकते हैं जो फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो इन सभी में कॉमन। बाहर से दिखने में भले ही कैसे भी हों, चेंज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अंदर से ही सभी एक जैसे दिखते हैं वाले, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है कि लगभग सभी में प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह की, किस कॉम्पोजिशन की है, ये आगे वाले आने वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि एक एक्सेप्शन है इसका, क्या, माइकोप्लाज्मा, उसमें प्रोटीन एनवेलप होता है, उसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, उसमें प्रोटीन एनवेलप होता है, ट्राई लेयर होता है, थ्री लेयर का प्रोटीन एनवेलप होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म सभी में होगा, तभी तो भाई वो एक तरह से लिविंग सेल बनेगा, माय मेन एरिना ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो होना जरूरी है, बहुत मेन एरिना ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल, समझ रहे हो। डू यू नो, ये डू यू नो वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, डू यू नो वाला पॉइंट है, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो मिलना असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म पड़ा रहेगा और क्या भाई। न्यूक्लियस का काम होता है उसको एक सेपरेट कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देना उसका, ठीक है ना, ताकि वो बाकी चीज़ों से थोड़ा सा अलग रहे, इसमें नहीं है भैया, हम सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका क्रोमोसोमल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसको साइटोप्लाज्म में ही डाल दिया, भाई तुम यहीं रहो, अलग से जगह नहीं दे पाएंगे, बाउंड्री नहीं बना पाएंगे तुम्हारी,
जगह दे दी, तुम रहो यहीं पर, लेकिन बाउंड्री नहीं बना पाएंगे, ठीक है, इतना पैसा नहीं, बजट नहीं हमारा। तो बस यही खास बात थी इनकी कि न्यूक्लियस नहीं है इनमें, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल तो है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, ठीक है। यही चीज तो है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंट करती है मेनली, ठीक है। प्रोक्रोमोसोम होता है, ज़ीनोफोर न्यूक्लियाइड या कह सकते हैं, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो, अगर उसको क्रोमोसोम के फॉर्म में बात करें तो वो एक क्रोमोसोम में बन सकता है, केवल एक ही सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जिसको कि हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, कि क्रोमोसोम जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, उसने क्रोमोसोम की तरह अडेप्टेबिलिटी ले ली है, तो सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हैं, प्रोक्रोमोसोम बोल सकते हैं, या जीनोफोर भी बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियॉइड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने इनके जेनेटिक मटेरियल को नाम दे रखे हैं, ठीक है। और ये सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। तो ये कुछ प्रोकैरियोटिक के जो कुछ जनरल फीचर्स थे वो थे। अब क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए आरएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब एक तो क्रोमोसोमल है जो कि इसके पूरे एक्टिविटीज को काम जो है एक तरह से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वही एक होता है प्लाज्मिड, जो कि क्रोमोसोम से अलग हट के होता है, बिल्कुल उससे कुछ लेना देने नहीं होता, होता जेनेटिक मटेरियल वो भी है, पर लेकिन वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, समझ रहे हो, कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो है, यूनिक कैरेक्टर्स, हर बैक्टीरिया में कुछ हो सकता है, अलग अलग कैरेक्टर्स प्रोवाइड कराता है, जो कि क्रोमोसोमल डीएनए प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है। ये क्या कराता है, यूनिक फीनोटिपिक कैरेक्टर्स, फीनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड कराता है फॉर द बैक्टीरिया। लाइक जैसे कि अभी बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आप लोग पढ़ोगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया बैक्टीरिया में, ठीक है, ये सब हो गया। और क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी जब वो कौन से चैप्टर में पढ़ोगे, मोनारेंस में पढ़ोगे, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, तो उसमें क्या पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो बैक्टीरिया का प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, उसमें मदद करता है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इस प्लाज्मिड एक किसी बैक्टीरिया को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है, और क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, आया समझ में। और जो क्रोमोसोमल है वो भी सर्कुलर ही होता है, ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो, ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोमल है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है जो क्रोमोसोमल वाला है, वो स्पेशली सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ये बात ध्यान जरूर रखना, ये कोई रेड से लिखी भी हुई है, ठीक है, चले आगे। तो ये कुछ जनरल फीचर्स थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के। वहीं कुछ अभी बताया कि राइबोसोम्स हैं, हर सेल में पाए जाते हैं, तो इसमें भी पाए जाएंगे, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। वहीं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कुछ स्पेशल फीचर्स और पाए जाते हैं, लाइक प्लाज्मिड, वो तो खैर जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हो गया, कुछ और स्पेशल फीचर होता है, लाइक स्टोरेज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, किसमें, ये होती हैं स्टोरेज बॉडी, जैसे कि अब हम लोग में क्या होता है कि खाना वाना स्टोर होता है पेट में जाके, जो भी खाते हैं पीते हैं, इनमें इंक्लूजन बॉडीज में स्टोर होता है, ठीक है, इसको हम और डिटेल में अभी जानेंगे कैसे होता है, कि क्या क्या तरह की होती हैं, किन किन तरह की होती हैं इंक्लूजन बॉडीज, ये एक तरह से अभी जान लो कि स्टोरेज बॉडीज होती हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट स्टोरेज बॉडीज कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। वहीं कुछ इनफोल्डिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, इनफोल्डिंग्स, किसकी इनफोल्डिंग्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कुछ इनफोल्डिंग्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये हो सकता है किसी भी फॉर्म में, वेरियस फॉर्म्स की होती हैं ये, ठीक है, इसको भी आज आगे हमें इसके फंक्शंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फंक्शंस इसके और इसके स्ट्रक्चर्स भी जानेंगे, कितने कितने किस किस तरह के हो सकते हैं और इनका काम क्या होता है, ठीक है, वही फंक्शंस हो गए। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे जो कि
किसी प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, बहुत तेजी से क्या कह सकते हैं रेप्लिकेट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से के कंपेयर में। ठीक है, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, बताए कैसे कैसे किस किस शेप के हो सकते हैं, फोर बेसिक शेप, बेसिलाई, कोकस, विब्रियो एंड स्पायरुलम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ सेल, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है इनका अंदर का वो सब में सेम है लगभग नियरली, बाहर से कैसे भी हो सकते हैं वो। ठीक है, अपनी मॉर्फोलॉजी उन्होंने किस अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रखी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ये देख रहे हो बैक्टीरिया पीपीएलओ, इसका कोई शेप ही नहीं है, वायरसेस और छोटे होते चले जा रहे हैं। ठीक, वही है कि प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है सभी उसमें होता है। ठीक है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और क्या है जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल होता है, क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आउटसाइड दिस क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिक डीएनए, कन्फर्म सम यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, सच एज एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ऑफ विद फॉरेन डीएनए, ये सब जो है प्लाज्मिड की वजह से आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स की मैं बात करेंगे। ठीक, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड लाइक राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक वंस इन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर द राइबोसोम, ये ऑब्वियसली ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है अभी बताया। ठीक है, कुछ समथिंग स्पेशल होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में, कैसी होती है ये स्टोरेज बॉडीज होती हैं। ठीक है, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में अंदर इन्वेजिनेट कर जाती हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग मीजोजोम बोलते हैं, मीजोजोम। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मीजोजोम इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ये तुम्हें प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगी, किसी सिंगल यूकैरियोट में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये केवल प्रो एंड प्रो एंड प्रोकैरियोट्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या मीजोजोम इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारे कैसे दिखते होंगे, या कह सकते हैं बैक्टीरिया ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये कैसे दिखते हैं हमारे। ठीक है, एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में अब कुछ चलने लगा कि सेल का कैसा कैसा होता होगा। ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं और आने वाली क्लासेस में अब आगे आज के आगे बात करेंगे। ठीक है, और कैसे जानेंगे कि कैसे सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन है, उन सबके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अब वेरियस अदर टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े सब टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, जनरल टॉपिक्स अभी यूकैरियोटिक और थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल वे में चलेंगे। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। ठीक, तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और स्लाइड तो सामने आएगी, छोटा सा तो था यार लेक्चर आज का, है कि नहीं। चलो फिर करो मज़े करो आज का, ये तो यार याद ही कर लेना, इतना बेसिक बेसिक पॉइंट्स सारे बताए हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी पॉइंट जो बताए थे थ्योरी वाले वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना उनको आज ही के आज, दो चार पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, पढ़ते रहो मस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।